Daten buko gundrus ara si tiare muna ara re kaku tadi jadu ikan to do bahan kitna ek to hirin araha he ya bahut khatra dik raha he क्या लाए हो चावल बसी पखाल कितना दिन का है दोस्तों इसको धो करके खाएंगे तीन चार दिन का बसी पखाल है हाय हेलो दोस्तों सबको स्वागत है नया वीडियो में और आज हम दोनों खा करके जंगल जाने वाले हैं और जंगल से लकड़ी लाएंगे जलाने के लिए जो कि खाना पकाते हैं वो वाला लकड़ी ख़त्म हो गया है घर में इसीलिए और घर को भी थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे खाना बना करके खाएंगे और जंगल जाएंगे आप सबको जंगल का वीडियो देखने के लिए मिलेगा आज तो दोस्तों ठीक है वीडियो के साथ बने रहिए अभी यहाँ पे चावल धोगा मेरा साली और यहाँ पे मेरा बहन पानी लेने के लिए आया है बोल से नहीं पड़ बार पानी बहन आ रहा है साइकिल चला करके कहाँ जा रहे हो कहाँ रूटीन लाने अच्छा कब से ओ मई में कहीं गला मोनिका ले अनुटा वो कितन कितन तर रहे छे कैसे मोटर रे दो दिस तो ले तो अबे अबे न कहां कहां घूमने जा रहा है मार खाएगा नहा के चला हाथ दिल कल्ला हां कोला भी टोल माँ चल है बाटे कुडा मटू गेम महिमा ता कर छु एनो खजूर का पत्ती का पत्ता का उसका पाटिया बनाया है और इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे हमारा घर का पीछे की साइड में है वहाँ पे हम रखेंगे इसको
दोस्तों इस पाटिया को छत के ऊपर में भी जो कि दो ठो रूम है उसमें हम रखेंगे, पीछे वाला घर में नहीं रखेंगे। चलो लेके नहीं तो बेचने जाएंगे इसको। दोस्तों ये एक पीस में, एक पाटिया में 250 रुपया में बेचते हैं हमारा यहाँ पे। वो भी दो प्रकार का पाटिया होता है, एक तो सिंगल है एक डबल है। डबल का तो 500 रुपया है रेट, सिंगल का 250। ये जो जितना भी चेयर जो हमने खरीदा है इसको भी छत के ऊपर के जो रूम है उसमें हम लेके रखेंगे। और दोस्तों चावल तो बन गया है और अभी इसका भाजा बनाने वाले हैं। ये सेम्बी है दोस्तों, सेम्बी बोलते हैं हम, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करिएगा। पंखा बंद कर दो इसे। हाँ गया पवित्र, कहाँ गया महिमा? पवित्र कहाँ गया? बुला के ला जल्दी। मसाला हल्दी ज़्यादा बात देना, बस 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 बस, धनिया भी मत देना ज़्यादा। हाँ कुछ चला सुनता होती है
चालू है। अरे बारिश आ रहा है दोस्तों, बारिश गिर रहा है दोस्तों, बारिश आ गया है। आप पवित्र आ, पवित्र को मैंने मोबाइल को दिया है वीडियो शूट करने के लिए। ऊपर ऊपर दिखा दो बेटा, पूरा बादल किया है ऊपर और बारिश गिर रहा है दोस्तों। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, इधर आ। को मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पूरा धूप किया था, अचानक से बादल आ गया और बारिश गिरा रहा है ऊपर से। हेलो हाय करबो ना, एक दो तीन स्टार्ट है। हाय दोस्तों, यहाँ पे आग को जला दिया है किसने, पूरा बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, देख सकते हैं दोस्तों पूरा जला दिया है पूरा। हमारा यहाँ पे ऐसा होता है दोस्तों, कहीं दूर से कोई आ जाता है और आग को लगा देता है, फिर जैसे कि हम हमारे गांव में हमको बोलेंगे फॉरेस्ट लोगों, इसीलिए ऐसा खराब काम कर देते हैं। हम तो आग अगर जलता है तो हम लिभा देते हैं दोस्तों आग को, लेकिन आग को जला दिया है, बहुत ही खराब किया है जिसने भी जलाया है, बहुत बुरा किया है। जितने भी जंगल के एरिया में हम आदिवासी लोगों जो जितने भी रहते हैं, जंगल का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन चुपके से कोई आ करके आग लगा देता है वो गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों अभी जंगल पूरा ख़त्म हो रहा है, जो कि धूप का मौसम आ रहा है तो जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका पत्ता तो पूरा झड़ जाएगा। फिर 2 किलोमीटर के अंदर भी आप देख पाओगे ऐसा पूरा सफा हो जाएगा। फिर बारिश का मौसम आएगा तो फिर पत्ता उग जाएगा, फिर हरियाली हरियाली दिखेगा। धावे बहा जब आबो ना, धावे बहा पूरे टका के पकड़ी का धावे बहा।
दोस्तों ज्यादा दूर भी नहीं जा रहा है, हमारे घर से गांव से 2 किलोमीटर जंगल के अंदर, जो कि घाटी वगैरह भी तो नहीं है, ऐसे ही प्लेन प्लेन पैदल ही चलते चलते जाएंगे। और दोस्तों आज स्कूल छुट्टी है, इसीलिए बच्चे लोगों को भी तो घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए बच्चे लोगों को साथ में भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे उड़ीसा में, मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर न्यूज़ में देखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा, बहुत ही ऐसे चोर डकैत आ रहे हैं दोस्तों, गांव में घुस जा रहे हैं ठीक 12-12:30 बजे के दिन के, और चॉकलेट बिस्कुट दे करके बच्चे लोगों को चुरा करके ले जाते हैं। ऐसा तो बहुत आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा होता है, इसीलिए हम दोनों अकेले क्यों जाएंगे जंगल को, इसीलिए बच्चे लोगों को भी लेके आए हैं। और स्कूल छुट्टी है ऐसा बोले बच्चे लोगों, इसीलिए घर पे क्यों हम छोड़ेंगे, इसीलिए उनको लेके आ गए हैं। अरे बहुत दूर चले गए, मनीषा आज तू लकड़ी कितना लेके जाएगा? बहुत ज़्यादा, मतलब कितना? दोस्तों अभी तो जंगल में उतना खतरा नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम आता है, फिर बारिश में जो धान का खेती करते हैं, और ये जो जंगल हम जा रहे हैं, इस जंगल के साइड में तो धान का खेती करते हैं, तो उसी टाइम पे हाथी भालू सब कोई आता है जंगल में, और धान खेती का नुकसान करते हैं, उसी के टाइम पे जंगल जाना बहुत खतरा डेंजर हो जाता है, लेकिन अभी उतना डेंजर नहीं है दोस्तों। एक हाथी खाली आया है जो कि रात में घुस रहा है गांव में, और घर को पूरा तोड़ रहा है, और लोगों को भी मार रहा है दोस्तों। हमारा यहां पे 3-4 किलोमीटर के आसपास में तो 2 बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया दोस्तों। उस हाथी का खाली डर है, बाकी कुछ नहीं है। कुकड़ा अंडा कुकड़ा के खाई थी, तीन तोरण खाई थी अंडा। हेटा चेपेज करो, हेटा चेपेज करो, देखा मा, हेटा चेपेज करो, हेटा फूलो दोस्तों। इस फूल को खाते हैं हम दोस्तों, हर कोई खाता है हमारा यहाँ पे। आपको शायद नया लग रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा वाला कैमरा से। देखिए दोस्तों, इस फूल के अंदर में ना रस होता है दोस्तों, रस रसीली होता है, उसको चूस चूस करके खाना पड़ता है। वाह बहुत ही मीठी है दोस्तों, पूरा मीठी है, चीनी से भी ज़्यादा मीठी है। जंगल में ऐसे खाने के लिए हमारा इस एरिया में बहुत सारा मिल जाएगा दोस्तों आपको। दोस्तों आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों। क्या? दियो। है ना रुक मैं अनटमंडा, चलो चल चलो चल। फूलों की तो धोरा गगन खुशी रमन ए जीवने, करा बादली साग। हाँ ले लेंगे उसको, चिंता मत करो दोस्तों। बादली साग आप कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं, खाए भी नहीं होंगे, लेकिन हम उसका भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। जंगल में बहुत सारा सब्जी वगैरह आएगा, अभी तो थोड़ा और 2 महीना इंतजार करिए दोस्तों, उसके बाद में आपको जंगल का वीडियो बहुत देखने के लिए मिलेगा। को रास्ता भी पूरा बहुत खराब हो गया है। किस
किस तरफ जाएंगे? इस तरफ। पूरा रास्ता तो नहीं दिख रहा है, पूरा रास्ता है। जल्दी चलो, कहां हो रहा है? ऑफिस में रहने का अब हम यहां पर थे। मोनी सा तो पूरा नहीं दिखेगा शायद, ऐसा लग रहा है। दोस्तों इस रास्ते में कोई भी आना जाना नहीं कर रहा है, पहले से ही पूरा एक साल शायद हो गया है, इसीलिए रास्ता भी नहीं है। लौटते टाइम पे क्या कैसे जाएंगे पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी है, सूखी सूखी लकड़ी, इसको लेंगे कि नहीं? यहाँ पे रखेंगे, चारों तरफ जाएंगे दोस्तों। अभी उधर से भी लकड़ी लाएंगे, सूखी लकड़ी इधर से भी लाएंगे, और यहाँ पर जमा करेंगे, और एक साथ हम बुझा बांधेंगे और घर के ओर जाएंगे। ये मोनिशा का लकड़ी है। ज़्यादा दूर मत जाइएगा मोनिका पवित्र, ज़्यादा दूर मत जाओ, नहीं तो एक तरफ ही जाएंगे सब कोई, नहीं तो गुम हो जाओगे। यहाँ पर एक सूखी लकड़ी है, ले। कैंटा दूध बेटा, उस कोई बोले इटा जाकू और बंद कर कोहले ऊपर टा जाकू। শসটা বনায় ঘায় বনায় পুষ্কর ইয়ারে অছে গুটে টানা দেখি টা ভাঙি ধর কেতে লম্বা টান दोस्तों ऐसा आवाज करने से अगर कोई भी जानवर रहेगा तो थोड़ा साइट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा आवाज करके। अरे चिंता करु छू जो पको छू ताकि ना देखु छू आते मुरुख घेचु छू।
तू भी देखी नहीं चलने पर बार था दे चले नो दे कोड़ी खिलाव ले चालू कौन से लेकिन बाटे नो बाहर मान हाँ के बाटे बाहर में को आदि ठाने भी काठो अच्छे ईटा भांग हेटा तो आनू भी डरते भांगी दे मुनी सानो पछे चाणगारो छे सदाय सदाय रो खाना है उचे जे मनीषा का लकड़ी है हटा देंगे रुको को मनीषा का लकड़ी है छोड़ दिया है कहाँ पे छोड़ दिया है अभी डर लग रहा है गमछा रोकी देना वहां पे जाऊंगा चाल से ले कहां पे छोड़ दिया है यहां पे। कितना है थोड़ा सा है थोड़ा सा है ठीक है चल
क्या हाला अभी मैं इसको पकड़ूंगा। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत छोटा छोटा कांटा है। मोनिशा रुक रुक, एक साथ जाएंगे, चल। अरे मुझे छोड़ के चला गया, नहीं मोनिशा, मुझे डर लग रहा है और तू मुझे छोड़ के चला गया। सूखी लकड़ी मिल रहा है कि नहीं? क्या कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है बेटी? हाँ क्या, चिंता नहीं करूंगा। कहाँ पे कितना लकड़ी मिला? डकली आए तोर साइज रो मोनिशा, अरे साइज साइज ना कह, साइज साइज केनता सरे कहि हेटा मुई ने मिए गु कर ली। उसको देखा आते तोर साइज साइज रहते वही मां।
रोटी हेटा भी हाथ लंबा है कि हेटने आदे मनीषा टोटल बंद कर बेटा पोला खरा दे केनो सुचे एनो नाय सु खरा होचे जाओ पिटवा पोला खरा दे केनो सुचे एनो नाय सु खरा होचे जाओ पिटवा
कहीं जाओ कहीं सब बोला बेटा है ना तला रे मैं कथी आंग बोला पोले ना बाजवा ना ससुर जी आए हैं बाइक से और वहां पे पीछे बैठा है कूलर कूलर चलाओ कूलर अरे नीचे थाओ 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 ठीक गया है ना तेरी एक दो तीन तो दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं और मोनिशा और मोहिमा वो जो सिर पे जो लेके आए ना लकड़ी वो बहुत ही हल्का था दोस्तों मोनिशा का तो आधा किलो था और मोहिमा का वही एक किलो के लगभग तो बहुत ही हल्का हल्का ही पकड़ के लाए हैं उनको थकान सा भी महसूस नहीं हुआ मोनिशा तो आकर के डांस भी किया और फिलहाल पहुंच गए हैं और अभी वीडियो को यहीं पे रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आज तो 4 तारीख है और आज वीडियो को ही आज ही पब्लिश करना है इसीलिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा अरे रुको अभी नहीं आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिए दोस्तों और चैनल पे अगर नए नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कोई ना मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इनका भी और एक तो चैनल है दोस्तों मेरा बच्चे लोगों का चैनल मैंने खुला है और वहाँ पे भी 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं मोनिका ब्लॉग्स बोल के आप सर्च करिए आ जाएगा और आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ठीक है मिलते हैं बाय बाय।